जैसे मतलब हम गरीब हैं तो हमें भी मतलब सपोर्ट होना चाहिए ना लोगों का। हाँ। देख रहे मैं आया हूँ देहरादून के पास में, नाले के पास में जहाँ पे बस्ती है, और वहाँ ना डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी। आरक्षण का असली हकदार कौन है? ये आगे तक पढ़ना है, अभी आगे तक पढ़ना है। ये इनका घर है। तो बच्चे यहाँ पे सोते कैसे हो आप, एक ही कमरे में कैसे कैसे? आर्मी ऑफिसर बनना है? अरे वाह वाह वाह। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं मैं आया हूँ देहरादून के पास में, नाले के पास में जहाँ पे बस्ती है, और वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। चाहे यहाँ पे आपको मिले एक तिवारी फैमिली, जिसका एक मुझे लड़का मिला, इसका नाम है रौनक तिवारी। ये है यूपी के लखनऊ के रहने वाले। तो आप देखेंगे किस तरह से तिवारी फैमिली लखनऊ से यहाँ पे आके काम करती हैं, और इनकी मम्मी यहाँ पे जुराब फैक्ट्री में काम करती है, पापा यहाँ पे रेल में माल ढोने का काम करते हैं। तो आप खुद बताइए कि आरक्षण असल में किसको मिलना चाहिए, आरक्षण का असली हकदार कौन है, ये तिवारी या फिर वो आदमी जो कि अच्छी जॉब में है और उसके बेटे को आरक्षण मिलता है प्रमोशन के लिए हो या जॉब के लिए हो या फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए हो। तो आइए चलो बात करते, जानते इस तिवारी फैमिली के बारे में। नाले के पास में रहती है एक पंडित फैमिली, एक ब्राह्मण फैमिली, क्या उनकी स्थिति यहाँ पे, क्या उनको आरक्षण मिलना चाहिए नहीं है, ये आप खुद बताइएगा कमेंट करके कि क्या इनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बोलिए। काजल तिवारी। काजल तिवारी, काजल तिवारी कहाँ कराने वाले हैं आप? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ में यूपी से हैं आप? हाँ जी। तो आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? तिवारी ब्राह्मण। ब्राह्मण पंडित हैं आप, और यहाँ पे कौन कौन लोग और रहते हैं इस एरिया में? सब प्रकार के लोग रहते हैं ना? हाँ जी। तो जैसे आप स्कूल जाते हो आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ में पढ़ते हो। तो आपको जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति जिसको कहते हैं? अब हमें नहीं मिलती है, नाइन्थ से नहीं मिलती है। पहले मिलती थी? हाँ जी, एट तक मिलती थी। तो जैसे कहीं एडमिशन लेना हो कॉलेज में, तो आपको पता है कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। हाँ जी, पता है। लेकिन चाहे आप कितने गरीब हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, नाले के पास रह रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, पता है आपको? तो आपको नहीं लगता कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए था, है ना? जाति, आपका नाम बताइए। रौनक तिवारी। रौनक तिवारी, तिवारी जी कौन सी क्लास में? सेवन्थ। सेवन्थ क्लास में हो। तो यहाँ पे क्या क्या परेशानी आती है आपको नाले के पास रहते रहते? अरे तो कुछ नहीं आती, पहले थी यहाँ पे रोड नहीं बनी थी ना सड़क। हाँ। तो पानी आ जाता था इधर, पानी आ जाता था। हाँ जी। अच्छा, फिर बहुत दिक्कत होती रही होगी। कब से रह रहे हो यहाँ पे आप? हम 7 साल हो गए हमें। 7 साल यहाँ पे हो गए। तो काजल यहाँ पे कितना किराया देते हो आप? 3,500। 3,500 देते हो आप? एक कमरा किचन है? नहीं, किचन भी उसी में है। 3,500 रुपये देते हो आप। पापा क्या करते हैं आपके? रेलवे में क्या काम करते हैं? जो माल आती है ना उसमें, वो जो माल होता है वो ठेले पे रखते हैं, फिर वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ रखना होता है वहाँ पे रखते हैं। थोड़ा सा माल ढोने का काम, मतलब माल ढोने का काम करते हैं। और मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी जुराब फैक्ट्री में काम करती हैं। जुराब फैक्ट्री में काम, जुराब में क्या, फैक्ट्री में क्या काम होता है उनका? जो जुराब होते हैं ना वो पैक करके देना होता है, बस डिब्बे में पैक करना, डिब्बे में पैक करके देना होता है। तो कितने बजे जाती है मम्मी? मम्मी 9 बजे निकल जाती है। और आती कितने बजे? 4:30। तो डेली यही ऐसे रहता है सिस्टम का आने जाने का? छुट्टी भी मिलती है उनको कभी? जैसे आज संडे है तो आज छुट्टी नहीं मिली, पापा भी चले गए, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो आप? जैसे आज आज आप भी स्कूल की छुट्टी है आपकी, तो घर पे रहते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो काजल? हम आशी गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज रेस। अच्छा, तो पढ़ाई में अच्छे हो आप, कैसे हो पढ़ाई में? ठीक हो? क्या 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 सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको ज़्यादा? है इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? संस्कृत। संस्कृत दोनों, ये पढ़ने में अच्छा है कि नहीं है रौनक? ठीक है। तो आगे आपका क्या लक्ष्य, क्या है आपका जीवन में, क्या करना है? कुछ नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी, क्या करना है? आगे तक पढ़ना है अभी। आगे तक पढ़ना है। तो कुछ कहना चाहते हो लोगों से, सरकार से, कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए इस तरह से? आपको पता है आरक्षण के बारे में, आरक्षण क्या होता है? हाँ, जो अपने मतलब अपने हित के लिए बोलना। नहीं, जैसे आप, जैसे आप उतने पैसे वाले नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर वही किसी और उसमें, किसी और जाति में, चाहे पैसा है लेकिन उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, कम नंबर पे जॉब मिल जाएगी, अच्छा वो मिल जाएगा, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, के लिए ये सब अलाउड नहीं है। हाँ है, लेकिन कैसा होना चाहिए, पैसे के हिसाब से होना चाहिए ना। जैसे मतलब हम गरीब हैं तो हमें भी मतलब सपोर्ट होना चाहिए ना लोगों का। हाँ, ऐसा होना चाहिए ना। तो कल अपना घर दिखाइए। तो आइए फ्रेंड, जरा इनका घर देखते हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। ये देखिए इनका घर, नहीं नहीं लाइट, कोई नहीं लाइट ऑन करो। तो फ्रेंड्स ये है काजल का घर,
आप कैसे तिवारी लोगों का घर, और ये इनका घर है। तो बच्चे यहाँ पे सोते कैसे हो आप, एक ही कमरे में कैसे कैसे? अरे सो जाते हैं, एक बेड ने टूट रखा था ना, दूसरे रख रखा भी, उससे जोड़ेंगे ना। अच्छा, इस तरह से करते हो। यहाँ पे किचन आपका है? अच्छा, इसका आप 3,500 रुपये किराया देते हो? अच्छा, है रौनक। तो पढ़ाई का टाइम मिल जाता है यहाँ पे? कैसे पढ़ते हो यहाँ पे तो? कैसे कैसे पढ़ते हो? पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक ठीक, आपके पापा का नाम क्या है? अनिल तिवारी। और मम्मी का? सोनम तिवारी। सोनम तिवारी। तो लखनऊ से कब आए यहाँ पे लोग आप? 7 साल पहले? ये तो मम्मी पापा पता होगा, उनको ही पता होगा इस बारे में। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड्स इस तरह से देख सकते हैं, ये है तिवारी फैमिली का घर, और आप ये देखिए इस तरह से। अब मुझे ये बताइए कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, जैसे आपने देखा यहाँ पे काजल तिवारी है, यहाँ पे हमको रौनक तिवारी मिला, और कहते हैं ना कि पता नहीं क्या हमारा संविधान है कि इस तरह से लोगों को आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन आरक्षण मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आरक्षण सबको दो, लेकिन इस हिसाब से दो उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब, न कि जाति के हिसाब से। और यहाँ पे मतलब पंडित परिवार है, यहाँ पे ब्राह्मण परिवार नाले के पास रह रहा है, और बाकी यहाँ पे लोगों को आरक्षण मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आरक्षण मिलना चाहिए, जायज़ है, उनको हक है उनका आरक्षण मिलना। लेकिन वहीं अगर ब्राह्मण फैमिली की बात करते हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया ऐसा कि इनको आरक्षण नहीं मिल रहा है? ब्राह्मण या जनरल कैटेगरीज में बात कर रहा हूँ, जो भी इस तरह से स्थिति में रह रहे हैं सबको आरक्षण मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो काजल, आप लखनऊ अपने जाते हो घर अपने कभी? गाँव पिछले हफ्ते गए थे। कब कब जाते हो गाँव? जब काम होता है जब जाते हैं, और जैसे शादी वादी होती है जब जाते हैं। तब जाते हो। लखनऊ में कहाँ से हो आप? हमारा जिला अमेठी पड़ता है। अमेठी जिला पड़ता है, काफ़ी दूर से हो तो जाते रहते हो गांव ना मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको कभी पढ़ाई वढ़ाई में कोई समस्या वैसे आती है, जैसे कभी ड्रेस नहीं है या कुछ नहीं है, किताबें नहीं, ऐसा कुछ होता है कि घर वाले सब पापा सब कर लेते हैं? सब कर लेते हैं मम्मी पापा, हेल्प, पापा का पूरा सपोर्ट है आपका। क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखा करो कर, ऐसे बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करो? तो आगे क्या करना चाहते हो पापा लोगों की, तब जॉब करना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, या फिर शादी वादी करके जाना चाहते हो ससुराल? हाँ, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, वाह बहुत अच्छी बात है। आपको क्या बनना है? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है, अरे वाह वाह वाह, सपने तो बड़े बड़े तुम्हारे, अच्छी बात है, मेहनत करोगे है ना। अब 9th में पढ़ते हो, अभी 9th में हो ना, अब 10th में जाओगे तो साइंस रखनी पड़ेगी ना, पता आपको उसके लिए बायोलॉजी रखनी पड़ेगी। अच्छा, किसने बोला कि मुझे, किसको देखा आपने कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, किसको देख के आपको ऐसा लगा? नीचे नहीं, मम्मी पापा बोलते कि डॉक्टर बनने के लिए ना, क्योंकि एक नीचे भी है जो मकान मालिक की बेटी है, वो नर्स का कोर्स कर रही है। नर्स का कोर्स कर, पर नर्स और डॉक्टर तो अलग अलग हुआ ना? हाँ, नर्स अलग होता है, पर है तो मेडिकल फील्ड, लेकिन नर्स अलग होती हैं, डॉक्टर अलग अलग होता है। डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना। अभी 9th में, 8th में कितने मार्क्स आए थे आपके? क्लास में क्या आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या? कुछ नहीं, पर पास हो गए थे अच्छे से, कोई बात नहीं, पढ़ना ही बहुत ज़रूरी बात है ना, हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप 8th में कम नंबर आए तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आगे भी तो तैयारी कर सकते हो है ना। ये देखिए, और आपको तो आर्मी ऑफिसर बनना है, आर्मी ऑफिसर क्यों बनना है? देश की सेवा करनी, देश की सेवा करनी है, ये बढ़िया। आपने मेहंदी क्यों लगा रही है, शादी वादी में गए थे क्या कहीं? गाँव गए थे? अच्छा, यहाँ पे शादी हो रही थी यहाँ पे पीछे अभी? अच्छा, तो आपने ये चोटी रखी हुई है, पापा ने बोला रखने के लिए? रखते ही हो? हाँ। अच्छा, और ये बताओ आपका, जैसे मम्मी पापा जाते हैं तो आप खाना पीना खुद बना लेते हो? नहीं, मम्मी बना के जाती। मम्मी बना के जाती, आपको आता है खाना बनाना? क्या क्या बनाते हो खाने में आप? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सब बना लेते। आ जाता है ना आपको बनाना? जैसे मम्मी जा रही है तो आप पूरा काम कर लेते हो घर का, और मम्मी जब शाम को आएगी तो मम्मी के लिए खाना बना के रखोगे? नहीं, मम्मी आएगी तो खाएंगे बना के एक साथ ही, एक साथ खाना बनाएगी सबके लिए। अच्छा, क्या अच्छा लगता है खाने में आपको? तो खीर पसंद है। अच्छा, और मटर पनीर। मटर पनीर। अच्छा, मार्केट मार्केट में क्या खाना पसंद है? गोलगप्पे। चलो, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है? मैं आपका भाई हूँ, समझना, ठीक है? क्या समझना? भाई, मेरा नाम गौरव है। तुम दो ही भाई बहन हो ना? हाँ, ये बढ़िया बात मुझे लगी, क्योंकि ज़्यादा भाई बहन होते तो समस्या ज़्यादा हो जाती है ना। अच्छा, तो काजल और कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं, लोगों से कुछ कहना चाहते हो? चलो अच्छा। तो फ्रेंड, जैसे आपने देखा, मैं यहाँ पे एक तिवारी फैमिली से, एक पंडित फैमिली से मिला, ब्राह्मण फैमिली से मिला, मैंने ये घर की स्थिति जानी। यहाँ पे तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनका नाम काजल है, इनका नाम रौनक है, और ये लखनऊ के अमेठी क्षेत्र जो पड़ता है यूपी का, वहाँ के रहने वाले हैं, और 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेंट पे कमरा लेके रहते हैं, और इनके मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं। तो मैंने इनकी घर की आर्थिक स्थिति जानी, और कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर एक सवाल जरूर पैदा हुआ कि आरक्षण इनको आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दिख रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस फैमिली को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए।
तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राज गौरव गैरला भाई को प्लीज सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।